किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे हैदराबाद का शाही जौजी हलवा। ये बनाने में थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए आपको वीडियो देखते समय और किचन में बहुत ही अटेंटिव रहना है। शुरू करने से पहले दोस्तों, शानदार किचन को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक बार आप जौजी का हलवा घर पर बना लेंगे तो इसे बार बार आप घर पर बनाएंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों इसको कैसे बनाया जाता है। इसके इंग्रीडियंट्स जान लेते हैं। 1 लीटर क्रीम वाला दूध, 200 ग्राम खोवा, 1 टीस्पून केसर, 1 नटमेग यानी जायफल, 1 कप चीनी, 1 टीस्पून इलायची पाउडर और 1 कप घी। चलिए दोस्तों, अब हम शाही जौजी का हलवा बनाना शुरू करते हैं। दूध को स्टॉपर रखें और फुल फ्लेम पर इसे अच्छी तरह हिलाते रहें। हमें यहाँ दूध को हाफ क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। ऐसा करते समय साइड में मलाई चिपकती है, आप इसको निकालें और फिर अच्छी तरह मुसलसिल मिक्स करते रहें। दूध हाफ क्वांटिटी के करीब पहुंच चुका है। अब हम 200 ग्राम खोवा इसमें शामिल करेंगे। एक टीस्पून इलायची पाउडर, 1 नटमेग का बारीक पाउडर आप बना लें और इसमें शामिल करें। मैं कम चीनी लेता हूं दोस्तों, इसलिए मैं यहां 1/2 कप इस्तेमाल कर रहा हूं। आप 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे मुसलसिल मिक्स करते रहें। एक मिनट बाद इसमें 1 कप घी शामिल कर लें। एक टीस्पून केसर, 1/2 दूध में मिक्स किया हुआ केसर इसमें शामिल करें, ताकि केसर का फ्लेवर और उसका कलर भरपूर हमारे मीठे में आ जाए। हम यहाँ 1 चुटकी नमक इसमें ऐड करेंगे ताकि हलवे का जायका दोबाला हो जाए। यहाँ बहुत ही अटेंटिव आपको रहना है दोस्तों, क्योंकि नीचे दाग लग सकता है। आप इसे मुसलसिल अच्छी तरह हिलाते रहें। अब इसमें अपने हिसाब के ड्राई फ्रूट्स शामिल करें और अच्छी तरह पकाएं। दोस्तों, शाही जौजी का हलवा तैयार है। चलिए अब हम इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं। वैसे देखने में तो काफी खूबसूरत दिख रहा है दोस्तों।
दोस्तों, अगर मेरे पास लफ्ज़ होते इसको बयान करने के तो मैं आपके सामने ज़रूर बयान करता। सिर्फ एक ही लफ्ज़ है दोस्तों मेरे पास और वो है आउटस्टैंडिंग। आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही बेहतरीन हलवा है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। शानदार किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।